हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जैसा आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, जो अमन धत्रवाल के जो भाई हैं वो मिसिंग हैं, वो मिल नहीं रहे हैं दो तीन दिन से, शायद 3 या 4 तारीख से वो मिस हैं। आप इसके बाद मैं अमन धत्रवाल की वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से, यार आप इसे ज़्यादा से शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी ऑडियंस है, आपका चाहे छोटा सा यूट्यूब चैनल है, चाहे आप के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम है ज़्यादा है। आप इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे यूट्यूबर सब साथ आएँ और सब हेल्प करने में लगे हुए हैं। आपका बीबी के भाई समेत बड़ाना, कैरी मनाटी, हर्ष बेनीवाल, और आपका जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अरविंद अकेडमी, क्लस्टर करियर सर्विसेज, आदर्श बनवाल, सब ने तो हमने सोचा हम भी अपने ऑडियंस को थोड़ा सा ये बताएं और हमारी ऑडियंस जो है वो भी इसे शेयर करें। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप इस फोटो को देख लें, इसे ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बाकी अमन धत्रवाल वाली ओरिजिनल वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं अमन धत्रवाल की वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा, आप में से जिसने नहीं देखी वो देख सकता है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे शेयर जरूर करना ज़्यादा से। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो यार शुक्रिया कि आप में से जितने भी लोगों ने लास्ट वीडियो कि मेरा भाई मिसिंग है उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया, क्योंकि वहाँ से पुलिस को एक बहुत ज़्यादा इनपुट मिलता है हेल्पलाइन नंबर पर, और एक काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो जिन्हें नहीं पता यार, मेरा भाई 3 सितंबर मॉर्निंग से मिसिंग है। वो सुबह स्कूल के लिए निकला था पर स्कूल पहुंचा नहीं है, और तब से हम ढूंढ रहे हैं उसे, हर जगह पोस्ट डाल रहे हैं, पुलिस भी लगी पड़ी है। तो एक तो यार सबसे पहले शुक्रिया उन सभी बड़े इन्फ्लुएंसर्स का, जैसे कैरी मिनाटी हो गए, आपके आलोक सर हो गए, अरविंद अकेडमी हो गए, आपके अब्दुल हो गए, कल्पित वीरवाल हो गए, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया और स्टोरी को पोस्ट किया है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। आप में से काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने खुद वीडियो को डाउनलोड करा है और रीअपलोड करा है इंस्टाग्राम पे, हैशटैग फाइंड तनिष्क का आपने एक ट्रेंड बनाया है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, ये इनका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनसे घर घर में चीज़ें पहुँच जाती हैं, और वहाँ से फिर कोई भी आदमी है आपको यार वो किसी के भी साथ दिखता है, कहीं भी दिखता है, ठीक है। आप से रिक्वेस्ट है कि भाई आप प्लीज़ लोकेशन या जो भी आप इनपुट डाल सकते हैं इन हेल्पलाइन नंबर पे वो ज़रूर सेंड करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है यार, कि अगर इनफैक्ट मैं भी पर्सनली ईमेल कर रहा हूँ सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, पर अगर आप जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें अगर आप पिन करते हो, टैग कर देते हो, ठीक है, और उनका ध्यान इस वीडियो पे आ जाता है, तो आई एम श्योर कि उनमें से काफ़ी लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पोस्टर है मिसिंग का, उसे अगर वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर यूट्यूब स्टोरी या फिर कहीं पे एक छोटा सा मेंशन भी दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उससे, और काफ़ी लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाएगी, और वहीं से फिर पुलिस को फिर से इनपुट मिलते हैं। कुछ बच्चों ने जैसे लिखा था कि भाई 4 दिन हो गए तो ही इज़ नो मोर, तो यार कमेंट्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, कमेंट्स मैं तो भाग रहा हूँ, पूरी फैमिली भाग रही है, मेरे घर में मम्मी बैठी हैं तो वो कमेंट्स को पढ़ती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ भी लिखते वक्त, कि शायद मम्मी देख रही हूँ, और मम्मी की अभी तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में अभी। तो प्लीज़ शेयर करें हैशटैग फाइंड तनिष्क, और आपसे जो हो सके यार, ठीक है, आप पोस्टर अपलोड कर सकते हैं पोस्टर डालें, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल सकते हैं, आप वो करें। अगर आप, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो का एक छोटी साइज़ में भी डाल रखा है, तो आप उसे डाउनलोड करके री अपलोड कर दो। अगर आप में से हर बच्चा एन में तीनों में से एक चीज़ भी करेगा तो उसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपका लोग 50 व्यू भी देखते हैं, 100 लोग भी आपको वॉच करते हैं, और आप में से हर एक बच्चा ये चीज़ करता है, तो फिर आप कवर करते हो चीज़ों को। अभी आप में से काफ़ी को डाउट होंगे वेयर अबाउट्स के बारे में, कि कहाँ देखा गया, किधर मिला, कौन था साथ में, तो यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं पुलिस द्वारा, इनफैक्ट मुझे भी सारी नहीं बताई जाती, तो शेयर नहीं कर सकते अभी। और आपको वो कहीं भी दिखता है, किसी के साथ दिखता है, ठीक है, आपको कोई भी भाई ऐसा लगता है कि कुछ शेडी सा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ यार मैसेज करें इस हेल्पलाइन नंबर पे, या फिर आप ईमेल भी करें अगर हेल्पलाइन बिजी है। और हेल्पलाइन पे यार एक ये रिक्वेस्ट है फिर से, कि ये पूछने के लिए कॉल मत करना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब खोया, ठीक है, क्योंकि फिर अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ यार ये वैसा सा लग रहा है, ये देखा हुआ है, यहाँ पर 2-3 लोग सस्पिशियस हैं, तब आप ज़रूर कॉल करें,
क्योंकि हेल्पलाइन फिर उसी हिसाब से इनपुट्स मिलते हैं और उसी हिसाब से फिर आगे जाया जाता है। तो शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय।